अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेसबुक पासवर्ड के बारे में कि फेसबुक का पासवर्ड हम कैसे देखें, हम कैसे पता करें, हम कैसे सेव करें। ठीक है, अगर हमें मालूम नहीं तो मालूम करें। तो ये सब तरीके मैं आपको बताऊंगा, और वो भी तीन तरीके जिससे आपका पासवर्ड आपको मालूम भी होगा, आप पता भी कर सकते हो और आप चेंज भी कर सकते हैं, आप सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये कि हम क्रोम में जाते हैं, क्रोम को ओपन कर दें, और ये जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और अभी हम आएंगे पासवर्ड मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक कर दिया, और ये फेसबुक आ गया, ये फेसबुक, इस पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पे क्लिक कर दिया और इसको अनलॉक करेंगे। तो ये हमारा नंबर भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। ठीक है, इस आंख के निशान को क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड आपको यहाँ शो हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी आपको मालूम ना हो, ठीक है, आप देख ना सको पासवर्ड को, या आपने सेव नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो, फेसबुक को ओपन कर देते हैं। सही है, फेसबुक को ओपन कर दिया, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस मीनू पर, थ्री डॉट मीनू पर। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया, और हम जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में। ठीक है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया, और सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे दोबारा क्लिक करेंगे। ठीक है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे दोबारा क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिया। अभी आप कहोगे कि आप पासवर्ड चेंज करना क्यों चाहते हो, नहीं, हमें अपना पासवर्ड मालूम नहीं है, सिर्फ इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और मैं आपको बताता हूँ इस फेसबुक यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे जो हमारे फेसबुक का नाम है। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया, अभी यहाँ पे पासवर्ड नहीं है तीनों जगह। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको पता नहीं है, तो हम पता लगाने के लिए इस बार गेट योर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये फॉरगेट योर पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दें। अभी हम अपना पासवर्ड मालूम करेंगे कि हमारा पासवर्ड क्या है। अभी यहाँ आप देख लो, आपने नंबर पे अपना पासवर्ड भेजना है, या जीमेल पे, ठीक है, या एसएमएस, व्हाट्सएप था, ये एसएमएस नंबर पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर एक एसएमएस आएगा, उसमें आपका फेसबुक कोड होगा। अगर आप जीमेल पर क्लिक करना चाहते हैं तो इस पर डैश करके आपको आपके जीमेल में एक पासवर्ड आएगा, वो आप दोगे इसे। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप के नंबर पे आपको पासवर्ड आएगा जिस पे आपकी आईडी है। ठीक है, तो मैं जीमेल पे पासवर्ड भेजूंगा और जीमेल में सेव भी हो जाएगा और मैं दे भी दूंगा। तो जीमेल में क्लिक करेंगे इस दूसरे ऑप्शन पर, दे मैंने पासवर्ड पर भी वेरीफाई किया, फेसबुक को जीमेल पर भी किया। तो पासवर्ड के लिए ज़रूरी है कि आप जीमेल भी दे दो और नंबर भी दो, वेरीफाई कर दो। ठीक है, तो जीमेल पर मैं पासवर्ड भेजता हूँ तो मेरे जीमेल में भी सेव हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अभी दूंगा, ठीक है, पासवर्ड आ जाएगा जीमेल पर। तो उसके लिए आप अपना जीमेल ओपन करो या डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। क्या पासवर्ड, अभी ये रहा 545189, 545189, 545189। तो मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपको पता चला कि मैंने चेंज पासवर्ड क्यों क्लिक करा था।
क्योंकि हमें अपने पासवर्ड का पता नहीं था, वो पासवर्ड मालूम करने के लिए मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दिया था। अभी हम यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड देंगे तो हमें पासवर्ड मालूम हो जाएगा, हम लिख देंगे और जीमेल में भी सेव है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पे डैश कर दूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे डैश करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अभी हम अजय दो पासवर्ड दे दिया और अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये पासवर्ड सेव हो गया। अभी तो हमें पता चल गया ना कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, ये हो गया दो तरीके। अभी तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे अपने जीमेल पे क्लिक करेंगे, मैनेज अकाउंट पे। सही, अच्छा, जो मैनेज अकाउंट पे क्लिक कर दिया और अभी हम जाएंगे सिक्योरिटी पे। ठीक है, मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर दिया और नीचे आएंगे और पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करेंगे और ये रहा फेसबुक, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया, इसको अनलॉक करते हैं और ये आपका नंबर और ये पासवर्ड हो गया। तो ये तीसरा तरीका हो गया। तो फेसबुक पासवर्ड मालूम करने के बहुत ज़्यादा आसान तरीके, सबसे पहले तो आप अपने फेसबुक आईडी को जीमेल से लाजमी वेरीफाई करो। जीमेल से वेरीफाई करोगे तो अगर आप पासवर्ड भूल भी जाओगे, अगर नंबर नहीं आएगा तो जीमेल तो आएगा ना, तो जीमेल में जीमेल से वेरीफाई करके जीमेल में पासवर्ड हम भेज सकते हैं, नंबर पे भी भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।